अभी यहां पे आप देखिए मंगल कहाँ पे है, मंगल पांचवे घर में, इस कुंडली में, हाँ जी फिफ्थ हाउस ऑफ चिल्ड्रन जी एरीज सर, नहीं ये मंगल एक्चुअली मेष, मेष पहला हम लोग मेष सेकंड देखेंगे, हाउस में है ना, फिर पहला हम लोग मेष देखेंगे, हमारे टेक्निक के हिसाब से पहला हम लोग मेष देखेंगे, हाँ फिर जी हम जाएंगे बराबर। हाँ जी हाँ जी मेष फिफ्थ हाउस है। अब ये मेष को हम क्या बोल रहे हैं, सौतेला बराबर। हाँ जी इसको हम सिंबोलॉजिकली यूज करेंगे, सौतेला मीन्स सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट। ये व्यक्ति को बच्चों के मामले में सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट मिलेगा। तो या तो आप बोलोगे इसने बच्चा एडॉप्ट किया, नहीं इतना इंस्टेंटली पागलपंदी करके नहीं करना, हमें उसका बेसलाइन जाना है। इसको सौते यूनिवर्स इसको स्ट्रेट ट्रीटमेंट नहीं देगा, सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट देगा। इस व्यक्ति को एक दो बार बच्चा गिराना पड़ा मेडिकल रीजन, फिर इसने आईवीएफ किया सक्सेसफुल, फिर जाके मन्नत बन्नत मांगे, फिर मिला। तो इसको यूनिवर्स ने क्या किया, इसको सौतेला ट्रीटमेंट दिया। अब आपको समझ में आ रहा है द सौतेला टेक्निक, हाउ टू यूज इट। वर्बेटिम यूज नहीं करना है श्री राम की कुंडली की तरह। इसीलिए मैंने जब ब्रेक लिया था मैंने आपको क्या बोला, आप पहले ऑब्जर्व करो अपने मेष को। मेरा मेष ग्यारहवें घर में, 11th house ऑफ इनकम। मैं हमेशा मेरे बिजनेस में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं होता। फिर जब बिल पे करने की बारी आ जाती मैं जाग जाता, सौतेला ट्रीटमेंट देता। आप विनायक से पूछ सकते हो, मेरा ट्रीटमेंट जो है बिजनेस का एकदम हैंड्स ऑन नहीं है, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन बिजनेस, सौतेला ट्रीटमेंट हो जाता। उसका मालिक 9th house ऑफ विद्या में है, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन विद्या। अरे ज्योतिष बन के क्या होने वाला है, मैं वही सोचता हूँ। जितना टाइम मैंने ज्योतिष में निकाला है वही टाइम में श्री राम के नाम जप में लगा देता था, अभी तक मोक्ष मिल जाता था। अब यही व्यक्ति का मंगल आप देखो कहां पे आता है, सेकंड हाउस ऑफ फैमिली। इसके बच्चे को सेकंड हैंड ट्रीटमेंट मिलता है पूरे फैमिली में। इसके फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जिनको सेकंड हैंड ट्रीटमेंट मिलता है। इसके माताजी वैसे करती है, गेम खेलती है। इसको खुद भी उसके खुद के फैमिली में इसको ऐसा साइड में किया गया है। अब आप समझ रहे हैं हाउ द सौतेला टेक्निक इज वर्किंग। वर्बेटिम नहीं लेना है, कॉमन सेंस यूज करना है, अंडरलाइंग मीनिंग डालना है। जुपिटर केतु वहां पे है, दैट इज ए टॉर्शन योग, उसको कंबाइन करिए, उसको कंबाइन करिए फिफ्थ हाउस ऑफ मेष के साथ। एबॉर्शन, बच्चे पैदा होने में इसको सौतेला ट्रीटमेंट यूनिवर्स देगा। जब बच्चा पैदा करने का था ये बर्थ कंट्रोल कर रही थी, जैसे इसकी बहन को बच्चा हो गया इसको जेलेसी हो गया, तो इसने बच्चा बच्चा किया। लेकिन इतना बार आप पिल्स लोगे, क्या बोलते हैं उसको, कौन से पिल्स बोलते हैं उसको, बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो बॉडी में कुछ रिएक्शन हो जाता है, देयर आर साइड इफेक्ट्स, फिर रोते बेटी जिंदगी भर, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं। इसने जिंदगी भर गोरा काला गोरा काला गोरा काला किया कि जो काले हैं वो अच्छे नहीं है एक्सेट्रा, और इसका बच्चा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डार्क निकला। तो यूनिवर्स एक स्लैप देता है। मंगल अभी मेष पे है, मंगल का मैं आपको एक बहुत बड़ा टेक्निक देता हूं। मंगल लिख लीजिए मेष इक्वल टू sin, sin,
जिधर भी मंगल बैठेगा, मेष का मालिक है, जिधर भी मेष बैठेगा या उसका मालिक मंगल बैठेगा, उधर संभावना बनती है पाप करने की। मंगल लग्न में बैठा, आदमी के लाइफ में कितना भी सत्पुरुष हो, उसके लाइफ में एक ऐसा इवेंट आएगा जहां पे उसको पाप करना पड़ेगा, यार सिचुएशन ऐसा खड़ा हो जाएगा, बाय मिस्टेक पाप हो जाएगा। ये श्री राम का कुंडली, करेक्ट। दसवें घर में क्या बैठा है? मर्करी। श्री राम को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। कर्म परफेक्ट था इनका? नहीं था। टेंथ हाउस ऑफ कर्म में है, लेट्स नॉट फॉरगेट। वो कर्म किधर परफेक्ट नहीं हुआ? उसका मालिक मंगल सेवेंथ हाउस ऑफ वाइफ में आ गया, जब वाइफ को छोड़ दिया था, गलती कर दिया ना, सिन हो गया ना। अब हमने ये स्टोरी इतने सालों से सुना, हम भी श्री राम का कुंडली इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इतने आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन कोई आर्टिकल में श्री राम का ये गलती या मिस्टेक, भगवान ने हमें नहीं बोलना चाहिए उन्होंने सिन किया है, बड़ी गलती हो गया सरकमस्टेंसेस की वजह से। मैंने पहले क्या डायलॉग बोला, सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे। ये गलती किसी ने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया श्री राम के कुंडली में। केएन राव ने एक वीडियो बनाया था, हमने राव साहब से शूट किया था, मैं चाहता था राव साहब वो वीडियो एटलीस्ट 10 घंटा करे। उन्होंने श्री राम के कुंडली में 2-3 दिन कंटिन्यूस लेक्चर लिया, वो वीडियो हमारा खाली 1-2 घंटा था, लेकिन ये पॉइंट हुआ नहीं हुआ। ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। अगर आप लोगों ने ज्योतिष 20-30 साल निकाले हो, आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे श्री राम के ऊपर, लेकिन ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है श्री राम के लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, किसी ने नहीं बोला। अब आपको समझ में आ गया, जहां पे मेष बैठता है या जहां पे उसका मालिक मंगल जाता है, वहां पे आपने गलती किया होगा या संभावना बनेगा, एंड इट विल बी ए ग्रेव गलती। ऐसा तो सब लोग कहते क्रिटिसाइज करने वाले में, गलती तो हर राशि में हर घर में हो जाता है, नहीं, ग्रेव ग्रेव। मेरा कुंडली में मंगल 9वें घर में है, 9th हाउस ऑफ गुरु, मैंने गलती किया है, 9th हाउस ऑफ हायर विद्या, मैंने इतना विद्या छुपाया है आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, छुपाना पड़ता है क्योंकि हर बार कोई आके चीट करके लेके जाता है। आप देखो हिटलर का मंगल स्वग्रही 7वें घर में, ओके, वो 7th हाउस क्या हो जाता है, पद प्राप्त। मार्स इज प्रॉपर्टी, मार्स इज प्रॉपर्टी स्वग्रह, उसको प्रॉपर्टी चाहिए, आप समझ रहे हो, उसको प्रॉपर्टी चाहिए। महात्मा गांधी का मंगल लग्न में, मेष 7th हाउस, 7th हाउस पद प्राप्ति, मंगल इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में ही गड़बड़ कर दिया ना, पार्टीशन करवा, ही वॉज फोर्स्ड टू डू इट। आप समझ रहे हो बात को, आप बात को एक बारीकी से समझने की कोशिश करो। दोनों महात्मा गांधी और हिटलर का सेम लग्न, एक का मंगल 7th हाउस में हिटलर का स्वग्रह, इसका मंगल यहां, लेकिन 7th हाउस में मेष आ गया ना, तो जब आदमी पोजीशन पे आ गया, मेष एक्टिवेट हो गया, 7th हाउस ऑफ पद प्राप्ति पोजीशन, ये एक्टिवेट कर दिया ना एक्टिवेशन थियरी, तो सिन होना चालू हो गया। एक आदमी सबका प्रॉपर्टी हड़पते गया और दूसरा आदमी महात्मा गांधी जैसा प्रॉपर्टी को सेपरेशन में डाल दिया। आप समझ रहे हो कितना ब्यूटी, ये बहुत बारीक,
ये बहुत बारीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मेष का एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है जो कोई नहीं जानता है, या जानता होगा लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, किसी को देखा नहीं है, ओके? कि वहां का जो रिलेटिव होता है ना मेष का, उसका कोई ना कोई है ना ऑब्सेशन हो जाता है, कोई ना कोई चीज को पकड़, या उसका मालिक जिधर जाके भाई, कोई ना कोई चीज का ऑब्सेशन होता है। एक आर्मी जनरल को आप सोचो, ही इज ऑब्सेस्ड विथ वॉर, समथिंग दैट इज नेगेटिव, आप समझ रहे हो बात, ही इज ऑब्सेस्ड विथ फाइटिंग, ही इज ऑब्सेस्ड विथ डिफीटिंग द ओपोनेंट, ही माइट बी डिफेंडिंग द किंगडम बट ही हैज टू डिफीट द ओपोनेंट टू डिफेंड द किंगडम, समझ गए बात। सिन, मैंने आपको बोला क्या बोला, मैं आपको लॉजिक दूंगा, सिन हो जाता, आर्मी जनरल है वो, या तो उसका राजा के कहने पे किसी कंट्री पे या किंगडम पे हमला कर रहा है और किसी को मार रहा है, सिन कर रहा है, करेक्ट, या वो अपने आप अपना किंगडम को डिफेंड कर रहा है, वो पुण्य हो गया, लेकिन किसी को मार रहा है तो थोड़ा बहुत तो सिन हो गया ना, क्योंकि वो किसी बच्चे को बिना बाप के बना रहा है, वो जिसको मार रहा है ही इज फोर्स्ड बाय हिज किंग टू अटैक दिस किंगडम, बट देयर हैज टू बी अ सिन समवेयर ना, आप समझ रहे हो ना। महाभारत वॉर के बाद भी श्री कृष्ण ने कंस को मारा, करेक्ट, लॉर्ड शिवा ने ब्रह्मा का सर काटा, एवरीबडी विथ मी, कहां पे जाके उन्होंने ब्रह्म हत्या का ये किया, उन्होंने एक अच्छे रीजन से ब्रह्मा का सर काटा रहे, ब्रह्म कपाल में जाके उन्होंने ये किया ना, तपस्या किया ना, जो ऋषिकेश के आगे बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ के बाजू में, श्री कृष्ण ने किया कंस को, कंस तो खराब आदमी था लेकिन सिन तो हुआ ना, रामेश्वरम में आके उन्होंने किया उनका ये, वहां पे कुंड है, सबसे लास्ट कुंड रामेश्वरम, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेसेस, लास्ट कुंड वही है श्री कृष्ण का कुंड है, जहां पे उनको वो मिला था ब्रह्म हत्या का ये। महाभारत हो गया, अगेन ये हुआ, आप समझ रहे हो एवरीबॉडी। सो दी जॉब, दी कार्य ऑफ मार्स इज टू डिफीट अदर्स, सो द सिन हैपेंस दिस वे और द अदर, मोर और लेस, यू कैन डिबेट विच वन इज मोर विच वन इज लेस। तो आपका मेष, आपका मंगल आपको प्रोपेंसिटी देता है, सिचुएशन खड़ा करता है, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, सिचुएशन खड़ा करता है फॉर ए सिन टू हैपन। मंगल आपका 12वें घर में हो गया तो 12th हाउस मैटर्स, मंगल आपका 11वें घर में हो गया तो अगेन इनकम मैटर्स, कुछ भी करेगा, काटेगा, ब्लैक मैजिक करेगा, तंत्र यूज करेगा, कुछ भी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का मंगल किधर है, एनीबडी, याद रहना चाहिए कुंडली, लग्न में है, 9th हाउस में, जितना भी अधर्म का काम है सब किया उसने, जितना भी अधर्म का काम है, और उसके बाद उसको वो धर्म बोलता है। फेवरेट टेक्निक, कंपनी बनाओ, सबसे पैसा लो, बैंकरप्ट डिक्लेयर करो, पैसा 5-6 बार करने का, वही किया उसने, आप लोग समझ रहे हो बात। 9th मेष लियो लग्न है, मेष 9th में,
उसका मालिक लग्न में आ गया। सिन होता है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं आपको, आपका कर्म ऐसे ज्योतिष इज नॉट टू प्रेडिक्ट शादी कब होगा, नौकरी कब होगा। आपके क्लाइंट को भला पैसा लो नहीं लो, उससे पाप होने से बचाना है, तभी तो आपको पुण्य मिलेगा दैवज्ञ का। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये एटीट्यूड लोग नहीं रखते हैं ज्योतिष। इजी टू प्रेडिक्ट भाई, आपका मंगल सूत्र कल टूटा था, इजी टू प्रेडिक्ट। उससे आदमी का कर्म क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ हिज कर्म हैज इट इंप्रूव्ड, इट हैज नॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस?